तो इससे पहले मैंने इस वाली क्रीम की वीडियो बनाई है दोस्तों, वो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो उसे देख सकते हो जाके, इसके बारे में डिटेल पूरी की पूरी, ठीक है। और आज फिर इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, यानी कि जितने भी लोग, लड़की लड़के बच्चे बड़े जितने भी आलसी हैं, होम रेमेडी नहीं बना सकते, वो लोग, उन लोगों के लिए ये इतनी बढ़िया क्रीम बता रही मैं आपको इसको, यानी कि इससे आपको इस आपकी स्किन को वो फ़ायदा मिलेगा जो उपटन से मिलता है। समझ रहे हो आप कि उपटन क्या चीज़ होती है, उपटन में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को ग्लो लाती हैं, हमारी स्किन में को टाइट करती हैं और अंदर तक जाकर हमारी स्किन को हेल्दी बनाती हैं, वो चीज़ है इसमें। यानी कि दोस्तों इसमें मेन इंपॉर्टेंट सबसे, सभी जानते हो कि हल्दी जो होती है वो एंटी एजिंग होती है हमारी स्किन के, हमारी हर चीज़ के लिए एंटी एजिंग होती है हल्दी। तो ये हल्दी, केसर और चंदन से बनी हुई है, ठीक है। हल्दी, केसर, चंदन एक और इसमें वो है, प्रोडक्ट है। तो यानी कि 2-3-4 उससे बनी हुई आपके स्किन पर है, आप देख लो, ये रही आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है, लिखा हुआ भी है, और ये है आपके स्किन पर दे रही हूँ मैं, ये देख लो, पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, सच में कह रही। और ये दोस्तों मैं बता दूँ कि ये सर्दियों के लिए है, इससे पहले जो मैंने बताई है उसे आप मंगा के यूज़ करके देखना, वो गर्मियों की है और ये सर्दियों की है, समझ गए। ये स्किन को हेल्दी बनाती, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, सॉफ्ट रखेगी। सर्दियों में जो चेहरा सूखा सूखा, कहीं से रूखा सूखा होता है ना, वो सब एक जैसा एक लेवल बनाएगी, ग्लो देगी चेहरे पर, और स्किन को जो होम रेमेडी काम करती है वही काम ये करेगी, उन्हीं का सारा गुण जो होते हैं वो इसमें पैक कर दिए जाते हैं उसके द्वारा, ठीक है, जो भी जहाँ भी बनते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से बनी हुई है, और मैंने ये बता दिया कि हमने यूज करी, जैसे अभी हमने गर्मी में मंगाई, तो ये गर्मियों की नहीं है, इसे सर्दियों में लगाए, ठीक है। और नाम वाम सारा आपके स्किन पर है, सारी चीज़ें जो इसमें दे रही हूँ स्क्रीन पर आपके, सारा इसे अच्छे से पढ़ लें, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लें, जैसे मर्जी करके पढ़ लें। इसे मैं क्या अभी लगा के दिखाऊँ, सर्दियों में मैंने वो दूसरी वाली क्रीम लगा रखी है जो मैंने अभी पहले वीडियो अपलोड करी है, इससे पहले क्रीम की, ये सच में कह रही हूँ फ्रेंड, मंगा कर देख के लगाना, यूज करना, जब तक यूज नहीं करोगे मेरा कोई भी चीज़, और मैं किसी कंपनी को ऐड नहीं कर रही दोस्तों, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि हमने मंगाई है, हम यूज करते हैं, ये कैसी है क्या है, जो होम रेमेडी बनाने के आलसी हैं उन लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, मंगाओ लगा लो। और रेट अप डाउन होते रहते हैं, रेट गूगल करो, पता नहीं कौन से टाइम लोगे, क्या है, कब क्या सेल लग रही है, और हर जगह कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी अमेजोन का, जहाँ मर्जी, जहाँ से किसी दुकान से, जहाँ से मर्जी ले लेना। और इसका कलर इतना प्यारा है दोस्तों, जैसे कि वो केसर की जो आइसक्रीम होती है ना, केसर की आइसक्रीम, सैफरॉन की आइसक्रीम, वो वाला है इसका कलर, ये देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर, थोड़ी सी गाढ़ा, इसका थोड़ा सा गाढ़ा है, पहली वाली जो मैंने बताया था उस वो थोड़ा सा लूज इसका स्ट्रक्चर था, इसका गाढ़ा स्ट्रक्चर है, और ये सर्दियों के लिए है, ताकि सर्दियों में हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो पूरा दिन चेहरे को नमी देगा। हल्दी जो होती है वो ठंड से बचाती है स्किन को, और बहुत कुछ भी चेहरे स्किन कहीं से कोई जितनी मर्जी उसको हिट करी हुई हो, कुछ करा हुआ हो, समझ गए, हिट मतलब कहीं कुछ भी होया हो स्किन को, जितने मर्जी रफली कुछ भी कर दिया हो, तो स्किन पिटी कुटी लुटी जैसी मर्जी स्किन हो उसको सही करती है, और वो एंटी एजिंग का काम करती है। केसर जो होती है वो भी फाइन लाइनर ये सब कुछ कम करती है, और चंदन को आप सभी को पता है, चंदन क्या हमारे चेहरे के लिए एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंस होता है, वो भी बहुत ग्लो देता है, खुशबू देता है, और बहुत ठंडक देता है चेहरे को अंदर से, यानी कि चाहे उसे गर्मी हो सर्दी, जहाँ मर्जी लगाओ चंदन को। तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और इससे जो होम रेमेडी में हम बनाते हैं वही बना के इसमें कर दिया, इसका नाम भी उपटन है, समझ के, जो उपटन से हमें फ़ायदे मिलेंगे वो इससे मिलेंगे। तो इसे मंगा कर यूज करके देखें, है ना, जो आलसी बंदे हैं होम रेमेडी नहीं बना सकते, और कोई इसमें वो नहीं है जरा भी, मतलब के कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, इसकी मैंने बना दी है वीडियो पहले, दोनों ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, इसलिए कह रही हूँ सभी को, जिन लोगों को अपनी स्किन से ज़्यादा ही प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें यूज करा करें, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज करा करें, सारा देरी में आपके सामने, और मंगा कर लगा कर जरूर देखें, ठीक है। तो ना झंझट होगा तुम्हें रेमेडी बनाने का ना कुछ, और बहुत ही सच में कह रही, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये वाली जानकारी, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाओ, मेरी वीडियो बहुत बढ़िया होती है हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, जाके उसका लिंक मैं दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों मेरी स्किन में ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती, और मैं बहुत वैसे भी हर वक्त घरों में थोड़ा, मतलब कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा हुआ होता, वरना देखते क्या बहुत गिलो रहता है इन वाली स्किन की क्रीमों से और फोन से, बहुत ही बढ़िया जो मज़ा आया लगाने में, तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मैं कह रही 101% पसंद आएगी आपको, एक बार मंगा कर यूज करके देखना जरूर, सर्दी आ रही है, ठीक है। दोस्तों चलती हूँ मैं, फिर आप देखते नहीं हो लंबी वीडियो, ओके।